बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मानवाधिकार सुरक्षा मंच के बैनर तले हिंदू संगठन ने डोईवाला बाजार में रैली निकालकर अपना विरोध व्यक्त किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न व मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वह मानवाधिकारों के विरुद्ध है। इसके तहत ही हिंदू समाज के लोगों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कट्टरपंथियों व आक्रांताओं पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिससे कि हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। में पूरे राष्ट्र के हिंदू जनमानस में जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्होंने टारगेट करके उनके धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनके महिलाओं के साथ जबरन धर्मांतरण और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और उस पर जो मौजूदा बांग्लादेश की सरकार है वो चुप्पी साधे हुए, पुलिस प्रशासन इन आक्रांताओं का साथ दे रहा है। इस पर पूरे भारतवर्ष में जितना भी हमारा हिंदू समाज है उसमें आक्रोश व्याप्त है, और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज, क्योंकि मानवाधिकार दिवस है और ये खुल्लम खुल्ला मानवाधिकारों का उल्लंघन बांग्लादेश में किया जा रहा है, और जिस पर संपूर्ण समाज और संपूर्ण विश्व एक चुप्पी साधे हुए है, जिसे जागृत करने के लिए समस्त हिंदू समाज में आक्रोश है, उस आक्रोश के प्रदर्शन के लिए आज सभी समस्त हिंदू समाज यहाँ उपस्थित हुआ है। पूरे भारत देश में आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार होने हैं, उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन और माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सभी के द्वारा सभी मंचों के माध्यम से दिया गया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो महिलाओं के वहाँ पर अत्याचार हुए, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, समाचार पत्र के माध्यम से सुन रहे हैं, तो ऐसा घोर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उसके खिलाफ पूरा भारतवर्ष एकजुट है, और सभी लोगों की मांग है कि वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। और भारत सरकार से सभी का निवेदन है कि इस घड़ी में हिंदुओं के साथ खड़ी रहे, और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसमें इस बात को रखे, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म हो, इस ओर भारत की सरकार पहल करे।